अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं हड़प्पा आया हूँ पहली दफ़ा, तो हड़प्पा म्यूज़ियम देखने जा रहा हूँ। म्यूज़ियम में जो जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वैसे मैं आज बहुत खुशी है, पहले हम किताबों में पढ़ा करते थे म्यूज़ियम, हड़प्पा म्यूज़ियम के बारे में, तो आज तो देखने जा रहा हूँ। इस साइड पर कब्रिस्तान है सारा, ये ऊपर चढ़ता जाएंगे ऐसे गोल गोल ऊपर तक, वहाँ तक जाना पड़ेगा। सारा जंगल ही जंगल है यहाँ पे। स्कूल का ट्रिप आया हुआ है बच्चों का, बच्चे भी आए हुए म्यूजियम पे, तो देखे सारे बच्चे जा रहे हैं। ये टीचर्स भी हैं इनके साथ। ये ट्रिप जा रहा है बच्चों का, बाबा नूर शाह वली राव की मज़ार है ये। अभी मैं मज़ार के अंदर जा रहा हूँ। ये देखें मज़ार सबसे ऊंचाई पे है और ये नीचे शहर है, हड़प्पा शहर। इस साइड पे म्यूजियम है। ये रूट सीधा म्यूजियम, हड़प्पा म्यूजियम की तरफ जा रहा है, तो हम वही जा रहे हैं। अब चाचू जी किधर छांत ले बह जाओ जी, छांत ले बह जाओ किधर। कितना दूर आ हड़प्पा म्यूजियम? अच्छा, हर तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है, पुराने कदीम जमाने के पहाड़ हैं जैसे कहते हैं, वैसे ही है। प्यारे प्यारे ना सिटिंग बेंच बनाए गए, रखे गए हैं हर जगह पे, पंजाब आर्कियोलॉजी की तरफ से। टफ टाइल रोड ना सारा, तो बड़ा साफ सुथरा रोड वापड़ा है। हाँ जी मैं पहुंच गया हूँ म्यूजियम में, ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाते हैं। हड़प्पा खंडरात,
कॉपर कुकिंग बोर्ड, पक्की मिट्टी का चूल्हा, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अंदर जाने के लिए। उसकी वजह ये कि एक तो बच्चों के टूर्स आए हैं, थोड़े फॉरेन भी आए हैं, फॉरेन कंट्री वाले ट्रिप पे आए हैं, और दूसरा एक तो तस्वीरें नहीं बनाने देते। तो अंदर जाऊँगा जब खाली हो जाएगा ना, फिर जाऊँगा तस्वीरें वीडियोज़ बनाने को ऐसे बनाने नहीं देते। कोशिश करूँगा मैं वीडियोज़ वगैरह बना लूँ। ले जी हम अंदर आ गए, ये है पत्थर का ज़माना। स्टोन बीड्स, हम भी लोग भी जब टूर पे जाते थे ना तो ऐसे लाइनें बना के आते थे किसी जगह जाएं टूर पे, बचपन में जाते थे ना। सिप की एशिया, ये सिटी वाली चिड़िया। ये जो रास्ता है, जो मैं जिस रास्ते से मैं आया था, ये रास्ता खंडरात की तरफ जाता है। आगे सारे खंडरात है ना, जैसे मैंने आपको पहले, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सेटिंग प्लान बनाया है। मैं हर जगह पे बेंच रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं दरख्त देखे ऐसे कदीम ज़माने के, डर भी लगता है इनके नीचे बैठते हुए। में गेट उस तरफ भी है, वहाँ से 20 रुपये की टिकट कटाई जाती है। कटाने के बाद म्यूज़ियम देखो, म्यूज़ियम के बाद ये खंडरात के रास्ते हैं, ये खंडरात आप सारी देख सकते हैं। इस साइड पे पार्क भी बन गया, सिटिंग प्लान भी है यहाँ पर, ये खंडरात वहाँ से शुरू हो जाते हैं। वैसे जिस रास्ते से मैं आया था ना, वो रास्ता मतलब कि दूसरा साइड था, जहाँ वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती थी, होती है लेकिन कम होती है, टिकट नहीं होती उस साइड पर। जब मैं इंटर हुआ तो उन्होंने कहा आपने टिकट कटाई, मैंने कहा नहीं कराई। कहते किस साइड से, मैंने कहा पीछे वाले दरवाजे से। कहता अच्छा चुप करो, टिकट यहाँ जमा करा देना, पैसे उसके बाकी आप जाओ। अब दोबारा मैं आया हूँ खंडरात दिखाने, अब खंडरात देखते हैं यहाँ पर। पहले मैं ऐसे यहाँ से गुजर के आता हूँ खंडरात, पुराने ज़माने के, कदीम ज़माने के, सॉरी। तो ये ऐसे ऐसे ख़त्म हो रहे हैं, ये देखें।
बस फिलहाल तो यहीं पे है तकरीबन, खंडरा ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आगे सफ़र है, खंडरा तो आगे भी हैं लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत है, चढ़ना पड़ता है, और मुझसे अभी चला नहीं जा रहा, काफ़ी सफ़र कर चुका हूँ पैदल, क्योंकि दूर बहुत है ना, बाइक कहाँ खड़ी करनी पड़ने, आना कहाँ पड़ता है, तो अब आगे नहीं, बस यहाँ से वापस चलता हूँ, तो यहाँ पर ये एंडिंग करते हैं, गेट की तरफ चलना है, या गेट इस तरफ है, मैं इस तरफ से था पीछे वाले गेट से। ये पार्क है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सजाया गया इस पार्क को। मैं आपको इस दरख्त दिखाता हूँ, ये दरख्त देखिए, जैसे आप इंटर होंगे ना गेट से, इस गेट से, ये मेन गेट है, रोड रोड भी यही है, हड़प्पा स्टेशन की तरफ जा रहा है, ये ऑडिटोरियम है। वो म्यूजियम है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड। आपने पूरा म्यूजियम देखा, खंडरात देखे, सफ़र भी देखा, बाबा नूरशाह वली का दरबार है वो भी देखा। तो अब मैं चलता हूँ वापस हड़प्पा स्टेशन पे, जो हमारी गाड़ी नहीं आना है, वहाँ पे वेट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। हड़प्पा म्यूज़ियम।